नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। संविधान के 75 साल पूरे, राष्ट्रपति ने संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया। लखनऊ में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहुंची राज्यपाल, नेशनल स्कूल प्रतियोगिता में बॉयज गर्ल्स लगाएंगे दौड़, खिलाड़ियों में उत्साह। संभल हिंसा के बाद बिजनौर में भी हाई अलर्ट, ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे अखिलेश यादव, 28 नवंबर को जाएंगे रांची। बांग्लादेश में इस्कॉन धर्म गुरु चिन्मय प्रभु को झटका, राजद्रोह केस में जमानत याचिका हुई खारिज। यूपी के ग्रेटर नोएडा के सोफा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोगों की झुलस कर मौत। कांग्रेस के कार्यक्रम में बंद हुआ माइक, राहुल बोले दलितों की बात करने पर माइक बंद होता है। लखनऊ में योगी बोले संविधान में नहीं था सेक्युलर समाजवादी शब्द, इमरजेंसी के वक्त चुपके से जोड़ा, कांग्रेस ने की छेड़छाड़। ऋषभ पंत पर एलएसजी को नॉकआउट में पहुंचाने का दबाव, गोयंका दिखा चुके हैं गुस्सा। डल्लेवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सांसद शैलजा बोली, बीजेपी सरकार किसान विरोधी, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में फरार जिशान का साथी गिरफ्तार, 2021 में दोनों ने साथियों संग मिलकर मांगी थी 30 लाख फिरौती, नकोदर से दबोचा। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, बोले हमला करने वाले आजाद। धीरेन्द्र शास्त्री पर फूल के साथ मोबाइल फेंका, कहा श्रद्धालुओं से गलती हो गई, कोई साजिश नहीं, देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए यात्रा जरूरी। वाराणसी में 7 बार के विधायक श्याम देव राय का निधन, 20 दिन पहले पीएम ने जाना था हाल। धनबाद में आईटीबीपी के जवान को लगी गोली, पारिवारिक विवाद में सुसाइड की आशंका। झारखंड में राम के कारण एनडीए 15 सीटें हारी, जयराम महतो ने सुदेश को पीछे छोड़ा, महतो नेता ने इंडिया को दिखाई सत्ता की। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रपति ने किया 2 किताबों का विमोचन। आशिका भाटिया के पिता राकेश का निधन, भावुक होकर लिखा मुझे माफ कर दीजिए पापा, कभी कोर्ट तक गया था पारिवारिक मुद्दा। आईपीएल मेगा ऑक्शन में 182 प्लेयर्स बिके, ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। आईसीएसई आईएससी एग्जाम डेट शीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होंगे शामिल। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।